दोस्तों आज हमारे पास है टाटा की हैरियर और इसमें हम कर रहे हैं डीपीएफ का रीजनरेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डीपीएफ की लैंप है और ओबीडी लैंप है। तो अभी हमारा जो डीपीएफ रीजनरेशन है वो एक्टिव हो चुका है और फुल यूज़ कर रहे हैं हम थिंक कार का जो है लाइट मास्टर सबसे होता है। अभी रीजनरेशन हमारा एक्टिव है। रीजनरेशन कम्प्लीट होने के बाद हम देखेंगे इसमें हमारा जो ओबीडी अपना रीजनरेशन लैंप है वो जा रहा है नहीं जा रहा, ओबीडी लैंप ये सारा कुछ कंप्लीट चेक करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको इंजन दिखा दूं बनो उठा। BS6 है हैरियर अपनी। हैरियर सेंसर प्रेशर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, डीपीएफ का प्रेशर सेंसर। एसी को हम ऑफ कर देंगे बिल्कुल। लोड बिल्कुल कम होना चाहिए इंजन पे और इसमें देखते हैं दोस्तों टाइम कितना लग जाता है। अभी जो हमने दोस्तों अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट ही है, अभी कुछ मिली सेकेंड पहले ही आरपीएम हमारा डाउन हो गया और रीजनरेशन वाली जो लैंप है वो चली गई। ओबीडी लैंप सारी हमारे यहाँ पे अभी है तो शायद हमें डीटीसी क्लियर करना पड़े तो वो भी हम कर लेंगे। सबसे पहले हम गाड़ी को करते हैं बंद, एसी को ऑफ कर लेंगे। गाड़ी थोड़ा गंदा है दोस्तों, काम हुआ नहीं है इसका कंप्लीट, इसके वजह से वॉश वॉश बाकी है इसका। रीजनरेशन ऑफ किया हमने, 30 सेकेंड वेट कर लेंगे क्योंकि 30 सेकेंड में इसका सारा जो है सिस्टम डाउन हो जाता है और इसका टाइम भी देख रहे हैं कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। मेरे को लगता है कि जो मैंने स्टार्ट किया था जब से इधर 15 मिनट लगा इसका, 15 मिनट में ही इसका लाइट चला गया। तो ज़्यादा सूट मास नहीं होगा, सूट मास वैल्यू असल मैंने चेक किया ही नहीं था दोस्तों, मैंने सिर्फ यहाँ पे चेक किया था कि रीजनरेशन रिक्वायरमेंट मांग रहा तो हमने रीजनरेशन अप्लाई कर दिया था। तो अभी देख रहे हैं कि हमारा बहुत चला गया है, इसको बैक करके हम एक बार स्कैन करेंगे। एक कोड है हमारा मेमोरी में यहाँ पे ईसीयू में, इसको शायद क्लियर करना पड़े। नोटेबल कोड। गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करते हैं। वो अभी है हमारा, उसको हम क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे उसका। जो हमारा डीपीएफ का था वो हमारा क्लियर हो चुका है, अभी डीपीएफ की लाइट हमारी नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।